15-20 मिनट में मुंबई से नवी मुंबई, 90 मिनट में मुंबई से पुणे का सफर। अगले महीने खुल जाएगा 5 दशकों से लटका प्रोजेक्ट। बन गया देश का सबसे लंबा समुद्री पुल। एक साथ चलेंगी 70,000 गाड़ियां। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में भी हो जाएगी टोल वसूली। अगले महीने से मुंबई से नवी मुंबई तक सफर करने वालों को जाम से छुटकारा मिलने वाला है, क्योंकि देश का सबसे लंबा समुद्री पुल अगले महीने 25 दिसंबर को आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। पीएम मोदी ने इसकी नींव रखी और 5 साल के भीतर ये तैयार हुआ। अब उन्हीं के कार्यकाल में ब्रिज शुरू होने जा रहा है। भले ही इतने कम समय में बनकर तैयार हुआ हो, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सबसे पहली बार इसका प्रपोजल 1960s के दौर में लाया गया था, लेकिन इतने सालों तक ये प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में रहा। कभी पर्यावरण का हवाला देकर तो कभी समुद्री संबंधित कारणों की वजह से इस प्रोजेक्ट को दरकिनार किया गया। कुछ समय तक तो ये महाराष्ट्र के पॉलिटिकल क्लैश की भी भेंट चढ़ा। मुंबई में दिन ब दिन आबादी बढ़ रही थी और गाड़ियों की संख्या भी। 2005 में फिर से 4,500 करोड़ के बजट के साथ इसे बनाने का एक और प्रपोजल लाया गया, लेकिन 10 साल तक यानी 2014 तक इस पर कोई काम नहीं हुआ, जबकि सरकार जानती थी कि प्रोजेक्ट लटकाने से उसकी लागत बढ़ती चली जाएगी। दरअसल उस समय केंद्र में कांग्रेस पार्टी, महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी एनसीपी के बीच आपसी अनबन थी, जिसकी सजा आम आदमी को भुगतना पड़ रहा था। फिर 2014 में भारी बहुमत से मोदी सरकार सत्ता में आई और महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी। देश के कई अटके प्रोजेक्ट की तरह ही सरकार ने हार्बर सी लिंक पर फोकस किया। फडणवीस ने डबल इंजन सरकार का फायदा उठाते हुए प्रोजेक्ट से रिलेटेड सभी अप्रूवल केंद्र सरकार से लिए। इतना ही नहीं, जापान की कंपनी से फंडिंग भी लिया। 2 साल के भीतर ही पीएम मोदी ने इसकी नींव रखी। फिर 2 साल तक जगह का मुआयना और निर्माण के लिए वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी सहित कई तैयारियां हुई। 2018 में पहली बार ग्राउंड वर्क का काम शुरू हो गया और आखिरकार 53 साल बाद 12 सालों में 4 फेल्ड टेंडरिंग प्रक्रिया के बाद मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ने के लिए अरब सागर में देश का सबसे लंबा सी ब्रिज बनकर तैयार हो गया है। 6 लेन वाला मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक नॉर्थ मुंबई में सीवरी से शुरू होकर नवी मुंबई में चिरले तक बन रहा है। 22 किलोमीटर लंबे ब्रिज का 16.5 किलोमीटर हिस्सा समुद्र से होकर गुजरेगा, बाकी बचा 5.5 किलोमीटर हिस्सा जमीन के ऊपर से। बीच में 4 किलोमीटर का स्टील स्पैन होगा जो जहाजों की आवाजाही आसान करेगा। ये पुल करीब 89 फीट चौड़ा और 82 फीट ऊंचा होगा। इसके बनने से सेंट्रल मुंबई में सेवरी से नवी मुंबई में चिरले तक का यात्रा का समय 3 घंटे से घटकर 15 से 20 मिनट रह जाएगा। इससे पुणे गोवा जाने वालों को भी फायदा पहुंचेगा। मौजूदा समय में मुंबई से पुणे 150 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3 घंटा लगता है, लेकिन अब यात्री सिर्फ 90 मिनट में पुणे पहुंच सकेंगे। इससे लोनावला, खंडाला और मुंबई के बीच की दूरी भी घटने की उम्मीद है। साथ ही इसके बनने से नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक फास्ट कनेक्टिविटी होगी। इससे माल ढुलाई में आसानी होगी और कम समय में सामान पहुंचाया जा सकेगा। मुंबई का ये ब्रिज देश का सबसे लंबा समुद्री पुल होने के साथ साथ एक और रिकॉर्ड अपने नाम करने जा रहा है। दरअसल ये देश का पहला ब्रिज होगा जिसमें ओपन रोड टोलिंग सिस्टम होगा, यानी कि टोल के लिए आपको गाड़ी धीमी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 100 किलोमीटर की रफ्तार में भी टोल वसूली हो जाएगी। ब्रिज का बड़ा हिस्सा समुद्र से होकर गुजरता है, इसलिए निर्माण में वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। ब्रिज में 2 इमरजेंसी एग्जिट, क्रैश बैरियर, 1212 लाइट पोल इंस्टॉल किए गए हैं। पोल का डिजाइन ऐसा है कि समुद्र में चलने वाली तेज हवा के झोंकों से खराब नहीं होगा। ब्रिज के निर्माण में ऑर्थोट्रॉपिक डेक का इस्तेमाल किया है, जो पहली बार इंडिया में किसी ब्रिज में लगाया गया है। ये अभी लगने वाले गार्डर की तुलना में ज्यादा टिकाऊ होता है, क्योंकि इसमें 96,250 टन स्टील का इस्तेमाल हुआ है। अब इस पर आराम से 100 की स्पीड से प्रतिदिन 70,000 गाड़ियां दौड़ सकेंगी। इतनी बड़ी संख्या में वाहनों को देखते हुए ब्रिज पर 2 फायर फाइटिंग और रेस्क्यू व्हीकल और 2 एम्बुलेंस तैनात किए जाएंगे। ब्रिज बनने से मुंबई और नवी मुंबई के बीच लोगों को वैकल्पिक रास्ता मिलेगा। साथ ही 2 शहरों के बीच दूरी घटने से हर साल करीब 1 करोड़ लीटर ईंधन की बचत होगी। मुंबई वालों को ट्रैफिक से छुटकारा मिलेगा, प्रदूषण कम होगा। अब दिसंबर में मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक ब्रिज शुरू होने के बाद देश की आर्थिक राजधानी की रफ्तार में नए पंख लगेंगे। एक पहले भी कभी वक्त था जब एक सड़क बनने में सालों साल लग जाते थे, लेकिन आज पता भी नहीं चलता, सीधे उद्घाटन की खबर सामने आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एक भारत न्यूज़।